औरकम एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में जॉब सही है ये वीडियो इन जॉब्स की डिटेल के हवाले से है अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इस तरह के नए नए जॉब एड एडवर्टाइजमेंट आप लोग के मोबाइल स्क्रीन पे मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें इसके अलावा कंपटिटिव एग्जाम्स के हवाले से तमाम सब्जेक्ट के एमसीक्यूज मेरे चैनल के प्ले लिस्ट मौजूद है तो वहाँ से आप लोग मुख्त्य कम्पिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता चलूँ कि ये जो आसामिया है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस आसमिया है जो कि एक साल के कॉन्ट्रैक्ट एक साल के पीरियड के लिए है ये कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्रोजेक्ट है Uh, मतलब कम्प्लीट कम्प्लीट uh, होने तक है ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो यहाँ पे मुख्त जो डिपार्टमेंट्स हैं ह्यूमन राइट्स में तो उसमें असामियां तो सबसे पहले यहाँ पे हैं इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ठीक है strength, uh, of of rights, तो ये है ऑफ़ पोस्ट एज लिमिट और ये नंबर ऑफ वीकेंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और ये कोटा तो सबसे पहले है डिप्टी डायरेक्टर आई सी टी पी पी एस एट इक्वलेंट है जो बी एस एटीन के ठीक है अट्ठाईस से पैंतीस साल तक एज लिमिट एक आसामी और ये इसके लिए क्वालिफिकेशन और पंजाब से ये है जिसको डोमिसाइल पंजाब से वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट के लिए दूसरा जो है इसमें तो ये है असिस्टेंट डायरेक्टर तो ये इसमें बाईस से तीस साल तक एज लिमिट एक आसामी मिनिमम जो है सेकंड ला सेकेंड डिवीजन इन एलएलबी और दो साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन आ, हाई कोर्ट ठीक है और ये केपी पी से आ, ये वी कैन सी है ठीक है यानी के बी के उम्मीदवार जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट जो है वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर यानी ई टी पी सी इस्लामाबाद में तो इसमें है ड्राइवर की पोस्ट और ये बीस से पच्चीस साल तक एज लिमिट एक असामी है और ये इसके लिए क्वालिफिकेशन मिडल या मेट्रिक ठीक है और दो साल का एक्सपीरियंस इन एल टी वी या एस टी वी ड्राइविंग ठीक है इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ठीक है वैल ड्राइविंग लाइसेंस हो ठीक है और इस तरह ये इस्लामाबाद लोकल असामी है नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग यूनिट यानी पी एम यू इन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स नायब सिद की पोस्ट है और इसके लिए जो है ये क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और ये भी लोकल असामी है ठीक है यानी इस्लामाबाद के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ अच्छा नेक्स्ट जो है जी यहाँ पे जो है दस परसेंट जो है वुमेन कोटा है पाँच परसेंट जो है मिनारिटी कोटा और दो परसेंट जो है वो डिसेबल लोगों के लिए कोटा है अप्लाई के लिए आप लोगों ने जी डायरेक्ट जाना है डब्ल्यू 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 डॉट एन वेबसाइट पर और तीन जून तक आप लोगों ने इसमें आप लोग इस वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ठीक है अच्छा एडवर्टीज़मेंट के लिए एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड करने के लिए आप लोग जो है डब्ल्यू 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 डॉट एम ओ एच आर डॉट जी ओ वी डॉट पी के यानी ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप लोग ये एडवर्टीजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं बाकी जो है जॉब uh, डिस्क्रिप्शन uh, आप लोग डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर का आप लोग भी इसी वेबसाइट पे यानी डब्ल्यू 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 के वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हैं वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं अच्छा कैंडिडेट को सिर्फ टेस्ट से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ठीक है जिस जो लोग पहले से मतलब गवर्नमेंट इदार में सर्व कर रहे हैं यानी जॉब कर रहे हैं उसके पास नॉन ऑब्जेशन सर्टिफिकेट एन ओ सी लाजमी हो ठीक है और इंटरव्यू एटेस्ट के दिन अपने साथ लेके जाएं ठीक है तो इसके अलावा जो है पाँच या जनरल एज एजर एज रिलेक्सेशन भी आप लोगों को मिल सकता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स ठीक है टी आप लोगों को नहीं मिलेगा अगर आप लोग टेस्ट इंटरव्यू के लिए आप लोग अप्लाई करें अच्छा जो लोग एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो लोग सेपरेटली करें अली उनके लिए अप्लाई करनी होगी तो उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ क्लियरली समझ आ गया होगा फिर भी किसी को कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मैं रिप्लाई करूँगा अल्लाह हाफिज़